इंदौर जिले के पीतमपुर में दो दिन पूर्व कंपनी से अपने घर आते हुए सिलोटिया गांव के नाले में डूबे राजपुरा के लापता 21 वर्षीय लड़के सुनील डाबी का शव 3 किलोमीटर दूर धन्नड़ के समीप नाले के किनारे तैरता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत उसके घर वालों को इत्तला कर शव को बाहर निकाला। शव पूरी तरह रेनकोट में कवर था। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेटमा लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम करने के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। एक बाइक चला रहा था और थोड़ी दूर आगे आने पर एक भैया दूध वाले ने रोका था कि आप रुक जाओ, बहुत पानी बहुत तेज है। तो ये दूध वाले के कहने पे वापस पलट भी गए थे। पलटने के वापस एक भैया जो गाड़ी चला रहा था उसने गाड़ी रोकी, उसने कहा मुझे गाड़ी दे मैं निकाल लूँगा। तो पानी का इतना बहाव तेज था कि उनको दोनों को बहा के ले गया। अच्छा, दो साथी थे या दो साथी थे? दो आ रहे थे मिंडा कंपनी से, इसमें से एक बच गए। उनकी स्थिति क्या है अभी? वो बहुत गंभीर स्थिति में, घबराया और बोल नहीं पा रहा है, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है अभी। उसको सूचना मिली कि ग्राम धन्नड़ में एक डेड बॉडी नदी के पास मिली है, नदी में मिली है। पुलिस जाकर वहाँ पहुँची, बाद डेड बॉडी को लेकर CSC वेट में लेकर आए। पता चला है कि दिनांक 5/7 को ग्राम राजपुरा का सुनील पिता गिरदारी मिंडा फैक्ट्री में काम करके दिनांक 6/7/2019 को वापस आ रहा था, तो सलोठिया गांव के पास बनी पुलिया में बह गया। इससे इसका एक साथी निकल के बाहर आ गया था, ये बह गया है, तो आज इसकी डेड बॉडी मिली। बहने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, डूबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई।